हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आन दिखाई जाती है जो सब कोई उनके काम बता रही होती है कि तुम लोगों ने क्या क्या काम करने हैं, और यिंग जो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है तो मैंग भी उसके पास आ जाती है और मैंग आकर यिंग से बात करने की ट्राई कर रही होती है पर यिंग से बात नहीं कर रहा होता। और ये देखकर जब मैंग वहां से जाने लगती है तो यिंग उसे रोक कर कहने लगते है कि क्यों ना तुम ये फाइल्स पढ़ के मुझे बता दो कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। अब ये सुनते साथ ही मैंग तो काफी खुश हो जाती है। और फिर जब यिंग अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी दूसरी कंपनी वालों को बता रहा होता है तो वो पूछने लगते हैं कि आपने कलर्स को क्यों चेंज किया, जिस पर यिंग तो चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई आंस नहीं था। पर उसकी जगह पर मैंग काफी अच्छे से आंस देती जिसे देखकर यिंग उसे काफी इंप्रेस होता है। अभी दिखाया जाता है कि तियान, मैंग और यान एक साथ बैठे होते हैं और ये दोनों यान के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो आन ब्लश करने लगती है। इसके बाद तियान जब एक बोतल लेने के लिए जाती है तो उसे पता लगता है कि उस बोतल के ऊपर तो हिशा की पिक बनी हुई है। अब ये देखकर वो जल्दी से आकर आन को भी बताती है। आन ये देखकर अभी खुशी हो रही होती है तो तियान और मैंग कहने लगती है कि अभी वो एक शो में भी जाने वाला, वहाँ पर उसको काफी लड़कियाँ देखेंगी और वो हैंडसम भी है तो काफी लड़कियाँ उसको अप्रोच करने की भी कोशिश करेंगी, पर तुमने यान को अपने हाथों से नहीं जाने देना। अभी ये बात चली रही होती है तो इतने में वहाँ कुछ लड़कियाँ आकर यान के बारे में ही बातें कर रही होती हैं, जिसे सुन सुनकर आन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। दूसरी तरफ यान दिखाया जाता है जो तैयार वगैरह हो रहा होता है इंटरव्यू के लिए, पर उसे आन कॉल करके पूछने लगती है कि क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताने लगते है कि अभी तैयार हो रहा हूं और कुछ ही टाइम में इंटरव्यू के लिए भी चला जाऊंगा और आज मुझे लगता है कि मैं लेट हो जाऊंगा। तो आन कहने लगती है कि मैं घर पर तुम्हारा वेट करूंगी। और फिर उसे पूछने लगती है कि लड़कों को क्या पसंद होता है, जिस पर यान उसे कहने लगता है कि तुम क्यों एकदम से ये बात पूछने लगी। तो वो कहने लगती है कि मैं तो ये मैंग के लिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो यिंग को अपनाना चाहती है और यिंग तुम्हारा फ्रेंड है, जिस पर यान कहने लगता है कि मुझे नहीं पता यिंग को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। आन कहने लगती है कि अच्छा तुम्हें क्या पसंद है, जिस पर वो कहने लगती है कि मुझे तो तुम पसंद हो। अब ये बात सुनने के बाद तो आन ब्लश करने लगती है और कहने लगती है कि मैंने अपनी बात नहीं की बल्कि सीरियस बताओ। तो वो कहने लगती है कि गेम्स खेलना पसंद है। अब आन की कॉल के बाद यान भी अपनी स्टाइलिश से पूछे लगता है कि लड़कियों को क्या पसंद होता है, जिस पर वो कहने लगती है कि सर अपना आप सर सीधा रखें, उसके अलावा मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती। तो यान उसे सॉरी करने लगता है। आन दिखाई जाती है जो सोची होती है कि जो लड़कियां यान के बारे में बात कर रही थी वो ये भी कह रही थी कि हम यान के लिए सूप बनाएंगी। और फिर वो यान का फैन ग्रुप भी देखने लगती है जिसमें सभी लड़कियां उसको हैंडसम कह रही होती है। ये देख देख कर आनंद से काफी जेलस हो रही होती है। दूसरी तरफ यान दिखाया जाता है जिसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। पहले तो उसके हेडफोन्स उतरवा दिए जाते हैं, यान भी चुप करके अपने हेडफोन्स उतार के उन्हें दे देता है। अब यान का जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है तो उससे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चनिंग की जा रही होती है जिसका यान भी सीधे सीधे जवाब दे रहा होता है। और जैसे इंटरव्यू एंड होता है तो वो अपने हेडफोन्स वापस मांग लेता है। अब इस इंटरव्यू के बाद जैसे ही यान वापस घर पर आता है तो आन के घर पर आ जाता है दूसरी साइड से। ये देखकर आन इतना खुश हो रही होती है और कहने लगती है कि तुम आ गए। और जैसे ही डोर ओपन करती है तो यान उसको उठा लेता है। आन कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो कहने लगता है कि तुम क्या कर रही थी, तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना रही थी। अब सूप का सुनकर यान भी उसे किचन की तरफ लेकर जाने लगता है। फिर दोनों बाहर आकर टेंट में बैठ जाते हैं जहाँ पर बैठकर वो बातें वगैरह कर रहे होते हैं और आन से कहने लगती है कि क्यों ना हम कैंपिंग के लिए जाएं, जिस पर यान कहने लगता है कि कैंपिंग करना मुश्किल, अगर तुम जाना चाहती हो तो ठीक है। और अपनी कैंपिंग की जर्नी के बारे में बताने लगता है कि मैं क्या क्या करता हूँ, मैं नेचर को महसूस करता हूँ, उसके बाद हर चीज की आवाज को सुनता हूँ। आन उसकी बातों को इतने गौर से सुनते हुए उसकी तरफ देख ही रही होती है तो यान भी उसे किस करने वाला होता है ये देखकर आन अपनी आंखें बंद कर लेती है। बट यान उसे किस नहीं करता ये देखकर आन उसे कुछ भी नहीं कहती, बल्कि यान जब दोबारा से आन को किस करने लगता तो इस पर आनों से रोक लेती है। और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट टाइम दिखाया जाता है कि सभी अपना काम कर रहे होते हैं पर आन तो जाने के लिए तैयार हो रही होती है। ये देखकर मैं कहने लगती है कि क्या तुम डेट पर जा रही हो, तो कहती है कि हाँ। तो मैं उसे बताने लगती है कि आज मैं भी उसको अपना कर रहूंगी, जिस पर आन उसे पूछने लगती है कि किसको, तो वो यिंग की तरफ इशारा करने लगती है। इस बात पर आन भी उसको बेस्ट ऑफ लक कहकर वहां से चली जाती है। और फिर मैं जब यिंग के पास जाने लगती है तो गलती से गिरने लगती है, पर ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ और उसे जाकर कहने लगती है कि काम वाम तुमने काफी कर लिया, चलो अब हम गेम खेलने के लिए चलते हैं। यिंग जो पहले से ही गेम खेल रहा होता है वो कह रहा होता है कि मुझे तंग नहीं करो और बिल्कुल पहले की तरह मुझसे बात करो, ये किस तरह तुम मुझसे बात कर रही हो। तो वो उसके हाथ से उसका मोबाइल ले लेती है और कहने लगती है कि अभी हम गेम खेलने के लिए कहीं जाएंगे। ये कहकर वो उसको खींच कर वहां से लेकर जाने लगती है। उन दोनों को कंपनी से जाते हुए बाकी एम्प्लॉयज भी देख लेते हैं और कहने लगते है कि क्या इन दोनों के दरमियान भी कुछ चल रहा है। आन दिखाई जाती है जो यान की बताई हुई जगह पर जा रही होती है, पर उससे पहले ही उसे यिंग के मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं जो उससे पैसे मांग रहा होता है। कह रहा होता है कि इन्वेस्टर हमसे पहले पैसे मांग रहा है, फिर हमारे काम को आगे प्रमोट करेगा। अब ये मैसेजेस को देखने के बाद आन भी उसकी तरफ पैसे ट्रांसफर कर देती है और वो जब एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे एक वॉइस मैसेज भी भेजती है कि तुमने इतनी जल्दी में मुझसे पैसे क्यों मांगे, पर पता लगता है कि उसका तो वो मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और यिंग को भी कॉल करती है। यिंग कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें ब्लॉक नहीं किया। अब इसके बाद तो आन को अंदाजा हो गया था कि उसके साथ स्कैम हो गया है, पर फिर भी वो अपने आप को किसी तरह संभालती है और पुलिस को कॉल करके ये एक क्राइम केस लिखवा देती है। यान जो बैठकर उसका वेट कर रहा
होता में दोस्ती मैंग दिखा जाती है जो यिंग के साथ गेमिंग के लिए तो आ गई थी। यिंग कहने लगता है कि तुम्हारा कोई और मकसद तो नहीं है मुझे यहाँ पर लाने का, तो वो कहने लगती कि नीनी कुछ भी नहीं। तो वो कहता है कि क्यों ना आकर साथ में गेम खेलो, जिस पर मैंग कहने लगती कि नीनी मैंने तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलनी बल्कि मैं तुम्हें बैठकर देखूंगी। ये कहकर उसके साथ ही चेयर पे बैठ जाती है और बातें करते हुए उसके काफी क्लोज भी आती है, पर यिंग उससे दूर हो जाता है। अब जब मैंग उससे कोई बात करने लगती है तो हेडफोन्स की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता, तो वो पूछने लगते है कि तुमने क्या कहा, जिस पर मैंग अपने ऊपर से कोट उतारते हुए कहने लगती है कि यहाँ पर काफी गर्मी हो रही है, क्या तुम्हें नहीं लग रही। अब उसे ऐसे देखकर यिंग को कुछ फील तो होता है पर वो उसे जस्ट इग्नोर कर रहा होता है। पर इतने में वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो आकर कहने लगता है कि ये जगह मैंने बुक करवाई है, जिस पर मैंग कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं बल्कि मैंने बुक करवाई है। तो वो कहने लगता है कि मतलब हम दोनों ने बुक करवाई है। और फिर मैंग के साथ कुछ ज्यादा ही फ्री होने लगता है, उसको देखते हुए कहने लगता है कि तुम काफी प्यारी हो। अब ये बात सुनकर मैंग कहने लगती है कि मुझे कोई भी बात करने से पहले मेरे बॉयफ्रेंड से बात करो। जैसे ही वो उसे ये कहती है कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है, यिंग तो देखने लगता है कहने लगता है कि नहीं हम तो सिर्फ कोलीग्स हैं। अब ये बात सुनकर मैंग को इतना गुस्सा आ रहा होता है और वो लड़का उसे दोबारा से फ्लर्ट स्टार्ट कर देता जबकि यिंग अपनी गेम खेलने में बिजी हो जाता है। अब ये सुनकर तो मैंग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो यिंग को उठाकर बाहर ले आती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है मेरे बारे में क्या कह रहा था, जिस पर यिंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता बल्कि उस लड़के से कहने लगता है कि अगर हमने तुम्हारी जगह बुक ले ली है ना तो तुम दूसरी जगह बुक करवा लो, उसके पैसे उसका खाना पीना मैं तुम्हें दे दूंगा। वो लड़का भी आगे से लालची था, वो भी उससे पैसे लेने लगता है पर मैंग यिंग को काफी रोक रही होती है पर यिंग नहीं रुकता। लास्ट में तो वो लड़का ये भी पूछ के जाता है कि क्या सच में ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिस पर यिंग उसे दोबारा से बता देता है कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब मैंग को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो यिंग से कहने लगती कि तुमने उसको पैसे क्यों दिए, तुम्हें पता है वो मेरे बारे में क्या कह रहा था, जिस पर यिंग कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है पर ऐसे लोगों को पैसे देकर मामला सेट कर लेना चाहिए क्योंकि वो जिस तरह का लड़का था उसके साथ फाइट लेना कोई अच्छा काम नहीं था। अब जब मैंग नोट करती है कि उसको मैंग का जरा भी ख्याल नहीं है तो मैंग भी वहाँ से चली जाती है। आन दिखाई जाती है जो यान के पास पहुँच जाती है, उसका काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है। ये सब डेकोरेशन देखकर आन पूछे लगती है कि क्या हुआ, ये तुमने क्यों डेकोरेशन की, जिस पर वो बताने लगता है कि हमारे रिलेशन को 1 मंथ हो गया है। अब ये बात सुनकर आन कहने लगती है कि टाइम तो बहुत जल्दी गुजर जाता है ना, अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे होते हैं तो इतने में आन को एक कॉल आती है जिसकी कॉल आन नहीं एक्सेप्ट कर रही होती बल्कि मोबाइल को भी छुपा देती है। यान कहने लगता है कि कुछ भी नहीं होता कॉल अटेंड कर लो। अब आन उसके कहने पर कॉल तो अटेंड कर लेती है और कॉल पे कोई और नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन से बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि आपने रिपोर्ट लिखवाई थी तो आप अभी आकर हमें उस बारे में और भी बातें बता दे। आन उसे पूछे लगती है कि क्या मुझे अभी आना होगा, थोड़े टाइम बाद नहीं मैं आ सकती, जिस पर वो कहने लगते हैं कि नहीं अभी आना ही बेस्ट रहेगा। अब आन उसकी कॉल तो कट कर देती है पर उसके फेस से यान को पता लग जाता है कि कोई ना कोई तो परेशानी है। वो उसका हाथ पकड़ के पूछे लगते है कि क्या हुआ है, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, जिस पर आन उसे सारी बात बता देती है। अब ये सुनकर यान भी उसको वहाँ से लेकर जाने लगता है, कहती है कि कहाँ पर हम जा रहे हैं, तो कहने लगते है कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। जब वो दोनों पुलिस स्टेशन से वापस आ जाते हैं तो आन अभी भी उदास होती है। ये देखकर यान कहने लगते है कि कुछ भी नहीं होता, पुलिस स्टेशन ने कहा है ना कि वो कुछ ना कुछ करेंगे और उसकी तरफ 50,000 भी ट्रांसफर कर देता जो उसके साथ स्कैम हुआ था। अब ये देखकर आन उसके पैसों को एक्सेप्ट नहीं करती बल्कि कहने लगती कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। यान कहता है कि मेरे पैसे तुम्हारे पैसे हैं, आखिर तुम मेरी जिम्मेदारी हो ना। और यान कहने लगती कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं बल्कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, जैसे तुम अभी मेरे साथ हो। तो आन उसे हक कर लेती है। फिर आन उसे पूछे लगते कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तो आन कहने लगती कि हाँ भूख लगी है, तुम खाना बनाओ मैं ड्रेस वगैरह चेंज करके आती हूँ। जब आन चेंज करके आती है तो इतने में यान भी उसके लिए खाना बना लेता है और वो खाना आन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर यान उसकी तरफ अपनी मुट्ठी करता कहने लगता है कि इसको ब्लॉक करो। जैसे ही आन उसको ब्लॉक करती है तो उसके हाथ में एक नेकलेस होता है, जो नेकलेस सेम वही वाला था जो आन बुक पढ़ती होती है, और वो नेकलेस उसे काफी अच्छा लगा था। यान उसे पहना भी देता है और इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे होते तो इतने में वहाँ पर यान की मॉम की एंट्री हो जाती है। जैसे ही दोनों मॉम को देखते हैं तो इतना ज्यादा एम्बैरस फील करने लगते हैं, उसकी मॉम तो वहीं पर शॉक होकर रह जाती हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा था, जबकि ये दोनों तो अपना मुंह छुपा रहे होते हैं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।